Assalamu alaikum everyone, welcome back to Chaitra Vlog. It's me Muhammad Reza sir, and welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another vlog. लाहौर से वापस आने के बाद यार ये मेरा पहला व्लॉग है आज मैं ऊपर, इसलिए मैंने कहा लाहौर का वेदर तो देखा था, आज अपना वेदर भी देखिए कैसा है भाई। हमारे इधर का वेदर बड़ा मज़ेदार हुआ है, हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की है, मज़ेदार वेदर हुआ है। अच्छा लाहौर में यार वेदर अच्छा था, लेकिन यार फजाई लोग की वजह से ना उसका जो वेदर का सिलसिला हुआ था, सीन हुआ था, स्मोकी स्मोकी था वेदर था उधर ना, तबीयत सबकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आपको पता है इसलिए हम ना भाई एमरजेंसी में ना शरीफ को लेकर घर आ गए थे, लेकिन यार कोई बात नहीं यार, फिर जाएंगे यार विद इन वन वीक के अंदर अंदर हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। और अपना जो अधूरा ट्रिप है ना वो कंप्लीट करके आएंगे। तो अभी यार हम जा रहे हैं फिर से कहीं घूमने फिरने। आप लोग भी कहते हो गए यार ये कैसी हड्डी है, अभी बीमार होकर आए हैं, तो रात को दवाई शवाई खाई इन्होंने तो ठीक हो गए हैं, तो अभी फिर जा रहे हैं कहीं। अभी यार मैं जा रहा हूँ, फराज और खीदा जा रहे हैं हम तीनों। वो फराज आया हुआ था ना तो कह रहा था भाई यार हमने जाना था उधर लाहौर फिरने, तुमने यार इतना था मूड था हमारा जाने का, यार ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन यार किसी ना किसी बात से स्पॉइल हो ही जाता हमारा हर दफ़ा से यार ट्रिप। तो कह रहा भाई अभी मैं आया हूँ, अभी मैंने आज शाम को जाना है घर, तो अभी मेरे पास आया 6-7 घंटे, तो मुझे ना यार फिराओ तो रहो यार मुझे कहीं लेकर जाओ। तो यार हमने फिर ना मैंने किधर दिमाग लगाया इसको किधर लेकर जाए, तो फिर ना हमारे दिमाग में आया भाई इधर हमारे ना नज़दीक ही है भाई एशिया का सबसे बड़ा पार्क, तो आपको ना वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ लेके जाएंगे या किधर हॉल लेके जाएंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। तो आप चलते हैं अभी यार, हम मैं अपने घर हूँ, अभी मैंने फराज को उधर से लेके जाना, फराज मेरे पास ही है, तो इधर से हमें जाना दूसरे घर हमारे लाल हवेली पर, वहाँ से खिदर को पिक करना है, फिर निकलेंगे कहीं जहाँ भी जाना हो। सो स्टे कनेक्ट विद अस। चले भाई चलते हैं, मास्क वास्क लगा लिया हमने क्योंकि भाई धुंध होगी रास्ते में, क्योंकि हम जहाँ थोड़ा दूर जाएंगे इधर से यार वो पार्क का रास्ता तकरीबन इधर से है 25-30 किलोमीटर दूर है, तो बाइक पर जाएंगे हम, जाते जाते हमें टाइम लग जाएगा यार, आधा घंटा पौना घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक ही मिलेगी बहुत कुछ मिलेगा। तो देखते हैं यार कब तक पहुँचते हैं और आपको भी दिखाते हैं, मैं भी पार्क जाएँ या पार्क के अलावा कहीं और भी जा सकते हैं भाई, देखते हैं। अगर उधर जाकर देखा आगे गए इतना सफ़र करके पार्क बंद हुआ तो फिर से मूड स्पॉइल हो जाने, तो दुआ करिएगा कि पार्क ओपन हो। अब इसको मैंने मॉर्निंग कह रहा हमारी हो गई है, अब इसको मैंने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए सरप्राइज है, क्या था मुझे घुमाओ यार, हम लाहौर भी ऐसे ही आ गए हैं वापस। चले यार लाहौर का हमारा टूर का सारा लाहौर से पूछते हैं, लाहौर का टूर बस 50-50 फौजी शहीद हो गया था, एमरजेंसी इसको लेकर आए हैं वापस भाई, ये तो हाथ से निकल रहा था, मैं क्या मैं एमरजेंसी रेस्क्यू करना। चले यार चलते हैं, अभी खिदर भाई को पिक करना है, इसको नहीं लेकर जाएंगे उसकी अभी तबीयत खराब है, यही बड़ा फौजी है, कुर्बानी का बकरा था, मैंने कुर्बानी का बकरा था, खुद ही कुर्बान हो गया अपने यहाँ पर है। चलो भाई हमारे लिए दुआ करें, हम अच्छी जगह फिरे हैं, दुआएं ना देना हमें, ठीक है ना, ओके अल्लाह हाफिज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चले यार चलते हैं, इधर खिदर भाई को भी ले लिया, अभी देखते हैं रास्ते में कहाँ कहाँ जाते हैं, वो आपको तो शेयर करते रहेंगे। अभी अपने भाई पेट्रोल पंप डलवाने लगे हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, पेट्रोल पंप जाना, पेट्रोल डलवाने लगे हैं यार, क्या हो गया पूरा पेट्रोल पंप पे डलवाने लगे हैं, तो पेट्रोल डलवाते हैं, ये भाई देख रहे हैं यार पेट्रोल डालते यार। ये है जो पार्क, ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहते हैं इसको भाई, अभी अंदर जाके दिखाते हैं, पार्क तो काफी बड़ा है, कुछ भी नहीं है, ये अभी पार्किंग एरिया है इसका, अपने पजारो हमने लगा दिया पार्किंग में, अभी आपको दिखाते हैं जी एशिया का सबसे बड़ा भाई पार्क, अभी ये पार्किंग है, पार्किंग कितनी बड़ी है इसकी, ये सारी पार्किंग एरिया है भाई ना। अभी यार आपने देखी पार्किंग कितनी बड़ी है, अभी यार इससे अंदाजा लगा लें कि पार्क कितना बड़ा होगा ये वाला, आए आपको अंदर से विजिट करवाते हैं, पता नहीं अंदर जाने देंगे ना, जान देंगे ना किधर, चलाओ चले आज। ये है जी पार्क, फास्ट पार्क टोबा टेक्सिंग महकमा जंगलात, आए चले अंदर भाई,
नॉट माम सोचा सुबह 6 बजे शाम 3 बजे तक दाखिला बंद है, ऐसे स्टूडेंट नहीं है ये यार जी पार्क। ओह यार मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, बड़ा प्यारा पार्क है यार भाई, ये तो बड़ा ही काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें जी जॉगिंग ट्रैक, वॉक दिस वे, वेलकम टू फॉरेस्ट पार्क, फूल तोड़ना मना है, फूल ही बड़े प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। अभी आपको इसका रकबा भी दिखाता हूँ, ये है जी इसका महकमा जंगलात पंजाब ज़रूरी मालूमात, तो जगह तकमील कुल रकबा कितना जी 55 एकड़। ओए होए ये पूरा पार्क भाई 55 एकड़ में है, लाओ एक बार देखा भाई कितना यार ये बड़ा पार्क है, 55 एकड़ में पार्क बना हुआ है, 55 एकड़। चले यार आपको दिखाते हैं, तैयार करवाते हैं, इसकी खुद भी करते हैं। ये देखिए भाई पार्क, अब पार्क के ग्राउंड ही बड़े 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 हैं भाई, 55 एकड़ ऐसे नहीं इसने कंप्लीट करना, किसी काम बात से कंप्लीट होगा। ये देखें भाई, ये देखें भाई, ये लगा बोर्ड कितना बड़ा भाई, जितना इतना तो बड़े पार्क है ना उतने उतने बड़े भाई सर वो भी है बोर्ड वगैरह दस्त वगैरह। ये देखें आगे झूले भी लगे हैं, वो भी दिखाते हैं आपको जाकर, और इस बच्चे को झूले भी देते हैं, फिर बच्चा अब झूले लेने अच्छा। चलो यहाँ हम तो भाई आपकी फरमाइश पे पार्क आए हैं, अब इसके बाद भाई खाना खाएंगे, फिर जाके बाहर किधर देखते हैं। ये देखें भाई ये पार्क का जी एक ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर आया हूँ, गार्डन के अंदर सॉरी। ये देखें भाई कितना बड़ा है यार, आप ना जितना मैंने आपको पहले दिखाया था ना जनाब पार्क दिखाया था यार, वो जितना बड़ा पूरा पार्क है ना उतना बड़ा ये सिर्फ एक गार्डन ही है फैसलाबाद भाई। आपने आपने देखा नहीं आगे जाके देखो थी कितना बड़ा है, अभी तुम कितनी दूर से आए हो, अभी कितनी दूर तक जा रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं है भाई ये जनाब पार्क से कई बड़ा, ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, 55 एकड़ का रकबा है जनाब पार्क। भाई मेन मेंट्स पता करें ना और जाके देखना, अब जाकर अभी जाकर देखना भाई जनाब पार्क कितना बड़ा है, और आपको इसकी तो मेन मेंट लग गई ना, मतलब 55 एकड़ है, वहाँ पे ठंडक होती है यहाँ पे गर्मी है भाई, इधर धूप जो निकली हुई है। चले भाई हम ना आपकी फरमाइश पे जनाब पार्क भी आएंगे और उसकी वीडियो बनाएंगे, क्यों इधर भाई इंशाल्लाह। ये देखें भाई वो फूल लगे, फूल ही बड़े प्यारे लगे, और कंटेन ढूंढ गई मिल गई हमें, आया से कोई देखते हैं कोई चीज़ खाने पीने वाली हो तो फिर लेंगे। ये जी झूले लगे हैं 20 रुपये टोकन, चलो फ्राज झूले दो इधर आ, इधर बैठो फ्राज के अंदर फ्राज भाई, ए भाई ये इसके झूले मिल जाएंगे बैठ जाएंगे ना, चला फ्राज बैठ यार चला दो झूले दूँ आ जा यार भाई। ये जी लगे हैं पार्क में दूर दूर झूले लगे हमारे जी, ये देखें स्लाइड्स लगी हुई हैं, और ये देखें भाई बच्चों के लिए लगाए हुए सारे झूले, ये देखिए ये भी स्लाइड्स है, ये पाउल है, ये भी पाउल पिंक वगैरह से कहते हैं वो है, अब वो दूसरी साइड पर भी है उधर भी यही चीज़ें हैं, झूले कम है इतने बड़े पार्क में, और वो देखो दोनों बैठे क्या कर रहे हैं, ये देखें जूस वगैरह पी रहे हैं अभी भाई, हम इधर बैठ चुके हैं क्योंकि पार्क में फिर ना टांगे ना कांपने लगी हैं हमारी क्योंकि अब बहुत बड़ा पार्क है, और यार देखें सही कितना बड़ा पार्क है, ये कितना पिंक लेनी है आया पिंक के यार, चल नजदीक ही पिंक लेना कि आया फराज, आया फराज बैठ थी आगे इन चौके था ऊपर, चल फराज इन उठा के था आया तेरा, बहुत मुश्किल है अच्छा तुझे आपकी तरह फराज ये तो नामुमकिन ही काम है, चले मैं ना मैं भी खड़ा होता हूँ फिर इसी उठेगा हाँ हूं रुक चलो फ्राइज वीडियो बना मैं चुकदा वा, लो जी लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द 1 2 3 चले जाने को एक मिनट जाए क्यों कार्टून हो गया भाई, पाउ नहीं लगाने पाउ के बगैर ही हो गया भाई, 1 2 3 चल भाई किधर वो बड़ा पाड़ा ही
चल नहीं होना क्यों नहीं होना चल वो गया भाई लैम जी किधर वाली किधर वाली साइड गई वो देखो उसने पूरा दाल जोर लगा दिया लेकिन वो उधर का उधर ही है किधर का वेट का तो पता 95 आया था उधर पता नहीं कितना है नहीं मोटे को छाल मार दे चल मोटे पीछे होकर बह गया वो ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया ओ जी ये फोटो ले गया ये भी साजिश मारी नाकाम रही यार जीत गया भाई किधर बहुत पारा यार अल्लाह पाक खैर करे किधर भाई कह रहा मेरे को पिंग में झूले लेने हैं यार अल्लाह पाक खैर बेचारी पिंग बढ़ गया प्रोग्राम तो बढ़ गया बढ़ गया प्रोग्राम है अभी यार ये झूले लेने लगा पिंग में वो गई थल्ले आने लगी झूले ले रहा झूले लेने आप सब आ जाओ तेज होगी नाल या पीवे देखो ना मैं छोटे छोटे अच्छा बराबर भी देखनी है चले जी 1 2 3 नहीं किधर की आगे है भाई चलते हैं वापसी देखते हैं यार भूख लगी है इनको कोई नाश्ता वाश्ता करते हैं रास्ते में नहीं तो फिर चलते हैं घर फिर गाजर खाएंगे तो ना रास्ते में कोई अच्छा लगा नाश्ता में अगर तो नाश्ता रास्ते में अच्छा मिल गया हमें तो कर लेंगे वापसी जा रहे हैं हम दूसरी साइड से तो यार दूसरी साइड भी मैंने लंबाई में आपको दिखाया था ना चौराई भाई इससे भी लंबाई से ज्यादा चौराई में आई है भैया ही ठीक रहा नहीं है वही रास्ता बहुत लंबा था हमारा ये पार कर इसमें बड़ी प्यारी प्यारी डेकोरेशन की हुई है हर पौधों के साथ लिखा हुआ है जी फूल तोड़ना मना है ये पता नहीं कौन से पौधे हैं ये वाले कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से वाले पौधे है भाई ये देखिए जरा तो भाई फरहाद भाई बताएं पार्क अच्छा लगा कि लगा तो अच्छा है पर यहाँ पे ना वो रौनक मेला ना वो शाम को हो गया ना हम तो भाई सुबह आए हुए ना सुबह भी होनी चाहिए क्यों पार्क का मजा ही तब चलो चलो भाई सुबह धूप में कौन मजा करने आए वो तो हम आए दूर से तब आ रहे जा रही कितने जा रहे हैं किधर है दादे दादे जिन्हें लेके जाना मैं उतर नंगे अभी भाई आपको हम दिखाने लगे हैं जी क्रिसमस ट्री वो इन्होंने यहाँ कहते हैं कि इधर क्रिसमस ट्री हम इसलिए लगाए हैं जब भी क्रिसमस होती है ना तो इन ट्रीज को हम डेकोरेट करते हैं ये है जी क्रिसमस ट्री भाई क्लियर नहीं आ रहे काले काले आ रहे हैं आगे दिखाता हूँ धूप वाला ये देखें क्रिसमस ट्री ये भी है एक क्रिसमस ट्री पता नहीं कौन सा ट्री है पर लगता क्रिसमस ट्री जैसा ही है भाई तो कहते जब भी यार होते हैं क्रिसमस तो भाई क्रिश्चियन वगैरह आते हैं वो हम हमेशा लेके ना इनको डेकोरेट करते हैं देखें तो भाई चलें चलते हैं वापस देखते हैं रास्ते में कोई चीज़ हुई तो कर लेंगे नहीं तो फिर चलेंगे और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको पार्क कैसा लगा ये देखिए भाई पार्क के बाहर वाला हिस्सा ये फाउंटेन लगा रात को चलता है ये देखें ज़रा ये अब ये पार्क है ना ये पार्क ये इधर अंदर है पार्क ये पहाड़ का बाहर वाला हिस्सा है भाई अजाफी हिस्सा नहीं था पार्किंग के साथ साथ इंजॉयमेंट के लिए लगाया हुआ ये देखिए कैसे डेकोरेशन की उन्होंने छिल के रखते हैं सारे जिन्हू बढ़ाओ ना स्कूल ना बहना तेन ये देखें ज़रा माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है यार डेकोरेशन अच्छी डेकोरेशन लग रही है देखिए ज़रा पार्किंग इतनी दूर है वो कॉर्नर में पार्किंग है भाई जा ही जा रहे हैं पैदल ही मॉर्निंग वॉक हमारी की तो सब हो गई है ना होगी अच्छी तरीके से होगी है मैं नाश्ता करके आया हूं फिर प्रॉब्लम तो इसलिए किया ही नहीं है ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ मॉर्निंग वॉक में ब्रेकफास्ट नहीं क्यों करते हैं अभी जाकर ये किधर भाई कर लिया सी फिर भी लगी भूख फिर लगी भूख तू तराई बड़ा है मेनू अच्छा जी मैं हाड़ा टेढ़ा हैगा वा हुन की करिए अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल चेक करा
वो लगे यार अंदर वाला वो अंदर वाले हैं जो पता नहीं कौन से हैं। A few inches later. दोपहर के भाई एक बज रहे हैं और हमने करना है भाई नाश्ता है। बहुत मुश्किल से एक दुकान मिली है। अभी इधर से यार बैठ गए हैं, ऑर्डर भी हमने अपना कर लिया है। तो भाई देखते हैं क्या क्या आता है। जो भी पूछ रहे हैं अंडा कोफ्ता सब खत्म है भाई। तो जो जो है था भाई फिर ऑर्डर हमने कर लिया है। अभी हम जो ऑर्डर आता है फिर आपको दिखाते हैं कि कितने क्या क्या ऑर्डर में क्या क्या किया है। तो भाई ऑर्डर हमारा आ चुका है चने और दलीम। ये भाई कह रहा मुझे दलीम बहुत पसंद है, मैंने दलीम खाना है। तो इसके दलीम गया, चने मंगाए और रोटियाँ। तो जल्दी से करते हैं नाश्ता, बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। नाश्ता हमने कर लिया, नाश्ते में वाकई बहुत मिर्ची वाला और टेस्टी था। चलिए आप चलते हैं, बोतल पीते हैं उधर रास्ते में, फिर इतना ही काफी था। बोतल के स्टे किया थे भाई देख कैसी यार, भाई बड़ी पसंद आई। बाइक अपने अपने 70 करवाना भाई, ये जो है ना हमारी पजारो इस पर करवाएंगे इस तरह का भाई डेकोरेशन सिस्टम। चले भाई अपनी बोतल शोतल पीते हैं। मैंने तो मंगाई है भाई शेजान फराज भाई कॉक इधर भी कॉक। चले यहाँ पीते हैं वो पीते सीधा घर जाके मिलते हैं। घर हम पहुंच चुके हैं। रास्ते में इतना ज़्यादा यार रश मिला ना, स्कूलों को छुट्टी हुई थी कॉलेजों को, तो भाई बहुत ही ना फंस फंस के पहुंचे भाई। तकरीबन ऑलमोस्ट हम यार 1:30 उधर चल पड़े थे और घर हम भाई 2:30-3 पहुंचे हैं। इतना यार रश में उधर मिला, स्लो चलाते आए। तो अभी पहुंच गई घर यार, ये देख इधर भाई थक गया पूरा, थक गया किधर साहब। आते हुए ये ड्राइव कर गया, जाते हुए मैं ड्राइव कर गया था। तो यार हम दोनों की तो होगी बामा। वो तीसरा किधर गया, फराज किधर गया, वो वाशरूम गया। जब वो आता है ना वो आ गया, आता है इसे पूछते हैं भाई इसको लोग, फिर जो हमको कौन सा पार्क था वो फॉरेस्ट 55 acres का रकबा था भाई। मैं इसे पूछते हैं भाई कुछ कैसा लगा, कह रहा भाई जो फैसलाबाग जनाह पार्क है ना वो बहुत बड़ा है। वो बाद में कहता है भाई नहीं वो 3 acre का होगा कम से कम भी। मैंने कहा ये भाई 55 acre क्या है, वो 3 acre 55 acre में कितना फ़र्क होता है। कहता अच्छा 55, इसको बाद में चल के समझ लगी थी। तो अभी यार आते आते पूछते हैं हाँ भाई फिर कैसा लगा आपको फॉरेस्ट पार्ट। भाई पार्क तो बहुत अच्छा था, पर टांगर उसने लग गई चल भैया 55 ये वाला। हाँ भाई जब ये इसका यार खेरा साहब बाकी आपस की गल नहीं है, सीरियस कह रहा हूँ भाई धनी तेन कर बहुत हेल्दी हो गया माशाल्लाह। कोई ना खैर करेगा भाई, असं दो भी एक साइड से कला एक साइड से नहीं चुकया गया सड़को चक लिया भाई। ओके अल्लाह हाफिज़ है, दुआ करें अब इंशाल्लाह मिलते हैं 29 को मिलेंगे फिर हमारा ट्रिप जाएगा इंशाल्लाह। और लोग जाना बाइक छोड़ा था किधर जाइए आ रहे बाइक तो बढ़ गया प्रोग्राम पर बाइक पर छोड़ा था बाइक नहीं आएगा यार सेहत तो बना रहा थोड़ी सी यार फैसला जाके बीच पे काम करें सीधे सीधे काम करना उल्टा ना करना। चल शदेव इन्हें दोवों ने छड़ के इनू गड्डी च पा के आई। हेलो इन गड्डी पा के वापस उतरे ना है तेन कार ला के आई कुंडी शुंडी ला के आई डॉक्यूमेंट रह देंगे छड़ के ना वापस ना आ जाने। लो भाई सब लोग जा चुके हैं और मेरा मोबाइल की बैटरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है क्योंकि रात का चार्जिंग लगाना बोल गया था। तो भी यार टाइम भी काफी हो रहा है तो पहले मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं फिर आपसे मिलते हैं यार क्योंकि यार ये ना ब्लॉग बनाते बनाते रास्ते में ये ना डेड हो जाए तो फिर उधर मुंह देखें सारे हालात वाला मैं इसका देखूँ मुँह देखें। तो भाई तो चार्जिंग वगैरह कर लें फिर आपसे मिलते हैं भाई, टेंशन ना ले यार। अब आ गए वापस अपने शहर में, अब फिर से शहर की जो हमारी आवारागर्दी है ना वही करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो स्टे कनेक्ट विद अस। अ फ्यू इंचेस लेटर मोबाइल की हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है और अभी अभी चार्ज हुई है तो साथ यार खाना मार लग गया तो साथ में दे रहे थे यार मां सफदर का व्लॉग दे रहे थे, वो उम्रे से आया भाई। तो अभी ये खाते हैं खाना हम सब, खाने में क्या यार मुझे भी नहीं पता तो जैसे आता फिर देखते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। खाने में हमारे पास है साग तो हम तो साग खाएंगे आज, तो खाते हैं साग और साथ में इसके भाई चौपी रोटी तो खा कर फिर आपसे मिलते हैं। नजर आए अभी भाई एक बड़ी ही बैड न्यूज़ आई है, मेरे ना दोस्त के ना वालद मोहतरम यार अल्लाह को प्यारे हो गए थे, बहुत यार फील हो रहा था। तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था मेरा क्योंकि यार जो होते ना एक तो
हम साया भी हमारा, तो उसके बाद यार बहुत ही अच्छे पर्सन थे हमारे साथ, बहुत अच्छा उनका प्यार था। तो भाई यार समझ सकते हैं, फिर आप फिर बिल्कुल नहीं ब्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैं उधर चला गया था। उधर से यार अभी यार थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, अभी अभी आया हूँ बीन से यार, अभी देखना अपर वगैरह डाला हुआ तो अभी आया ही हूँ, और उनका जनाजा भी आज रात को ही है। तो यार आप सबसे यार दुआ की अपील है कि उनके लिए दुआ करेगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता फरमाए, और उनके यार घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तो आज के लिए मुझे इजाज़त, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट सब कर देगा। मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे लिए और अंकल के लिए, मेरे लिए बेशक ना भी करी पर अंकल के लिए दुआ करना, अल्लाह हाफिज़।